देखने के बाद भी मिस्टर शैडो चौकन्ना था, क्योंकि उसका नौकर टोनी अभी भी उसके पीछे ही खड़ा था। मिस्टर शैडो बार बार टोनी की तरफ देख रहा था, इसलिए डोमिनिक ने टोनी को जाने का इशारा किया। उसके बाद उसने मिस्टर शैडो से कहा, अंतरा का होने वाला पति होने के नाते सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने इतने सालों तक उसका अच्छे से ख्याल रखा है। डोमिनिक सिर्फ पागल नहीं था बल्कि मोटी चमड़ी का भी था, इसलिए किसी और की पत्नी को किडनैप करने के बावजूद बड़े आराम से उसके पति के साथ ऐसी बातें कर रहा था। हालांकि उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम यहां किस लिए आए हो, इसलिए सलाह देता हूं कि वो सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अंतरा की किस्मत में सिर्फ मेरी पत्नी बनना लिखा है। वो भटक गई थी, ये बात अलग है, मगर अब वो सही मायने में अपने घर आ चुकी है, इसलिए ये मत समझना कि मैंने उसे जबरदस्ती यहां पर रखा है। खैर, जैसा मैंने कहा, तुमने उसका इतने सालों तक ख्याल रखा है, तो मैं तुमसे इतना वादा जरूर करूंगा कि अगर आगे चलकर जिंदल परिवार को मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। डोमिनिक को अपने पावर और अपने बिजनेस पर पूरा भरोसा था। ऐसा लग रहा था वो मिस्टर शैडो से सौदा कर रहा है और उसे धमकी भी दे रहा है। उसके शब्दों से घमंड साफ झलक रहा था। हालांकि फिर भी मिस्टर शैडो ने उसकी बातों का कोई विरोध नहीं किया। उल्टा वो अपनी जगह से उठा और खिड़की के पास आ गया। उसकी नजर उन दोनों कब्रों पर पड़ चुकी थी, इसलिए उसने डोमिनिक से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के गार्डन में कब्र देखी है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या आप मुझे वो कब्र नजदीक से दिखाने ले जा सकते हैं? मिस्टर शैडो की तरह डोमिनिक भी एकदम सतर्क था। उसने मिस्टर शैडो का मुकाबला करने के लिए मानसिक तौर पर तैयारी कर ली थी, मगर अचानक मिस्टर शैडो ने जब कब्र को नजदीक से देखने की बात कही तो डोमिनिक कंफ्यूज हो गया। हालांकि उसने सोचा कि ऐसा करने से उस पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो मिस्टर शैडो की बात मान गया। हालांकि डोमिनिक को पता था कि उसे मिस्टर शैडो पर हर वक्त नजर बनाए रखनी पड़ेगी, इसलिए वो भी उसके साथ साथ घर से बाहर निकला। डोमिनिक को कोई शक ना हो, इसलिए मिस्टर शैडो उसके आगे आगे चल रहा था ताकि डोमिनिक को उसकी हर एक हरकत दिखाई दे। चलते चलते वो दोनों गार्डन में आ गए। कब्र को देखने के बाद डोमिनिक ने मिस्टर शैडो की निगरानी करना छोड़ दिया। मिस्टर शैडो जब कब्र के पत्थर पर लिखे हुए शब्द पढ़ रहा था, तब डोमिनिक ने उसे पूरी कहानी बताई, जो कि जेसिका ने पहले ही उसे बताई हुई थी। मिरांडा के बारे में बात करते हुए उसकी आंखें नम हो गई थीं। हालांकि तुरंत ही डोमिनिक ने टॉपिक बदल दिया और फिर कहा, आज तक तुमने सिर्फ फिल्मों में ऐसा सुना होगा कि हीरो हीरोइन साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन मैं तो असल जिंदगी में वैसा करने वाला हूँ। मेरी मौत के बाद मुझे और मिरांडा दोनों को इसी कब्र में दफन किया जाएगा। डोमिनिक की बात का मतलब उसे साफ समझ आ रहा था। वो समझ गया था कि अगर डोमिनिक मौत की कगार पर रहा तो अंतरा को भी जान से मार देगा और फिर दोनों को साथ में दफन किया जाएगा। मिस्टर शैडो की पीठ डोमिनिक की तरफ थी, इसलिए उसे फिलहाल किसी भी तरह का नाटक करने की जरूरत नहीं थी। डोमिनिक की बातें सुनकर मिस्टर शैडो ने अपने दांत पीस लिए, साथ ही साथ वो थोड़ा नर्वस भी हो गया। उसके बाद कब्र के पत्थर पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने के बहाने वो और आगे गया और उसके पीछे लगे गुलाब के पौधों को देखने लगा, क्योंकि मिस्टर शैडो के अंदाजे के हिसाब से जो सुरंग या छुपा रास्ता था वो इसी एरिया में कहीं निकलता था, इसलिए ये बात पक्की करना बहुत जरूरी था। हालांकि ऐसा करते हुए मिस्टर शैडो ने डोमिनिक के साथ बात जारी रखी ताकि उसे कोई शक ना हो। आपने मिरांडा के लिए इस पत्थर पर बहुत अच्छी बात लिखवाई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतनी जल्दी कब्र तैयार करवा कर आप जल्दबाजी कर रहे हो? और तो और, मेरे हिसाब से आपने कब्र की जगह भी गलत चुनी है। वैसे तो डोमिनिक बड़ा ही अड़ियल किस्म का इंसान था, उसे दूसरों की राय लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर ये कब्र उसके लिए बहुत खास जगह थी क्योंकि वो मिरांडा के साथ यहीं पर दफन होने वाला था। डोमिनिक ने तुरंत मिस्टर शैडो से पूछा, क्यों, इस जगह में क्या प्रॉब्लम है? मैंने बहुत सोच समझ कर यहां पर कब्र बनवाई है, क्योंकि मिरांडा को गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं और यहां पर आसपास हर जगह गुलाब के पौधे हैं।
ये कहते हुए डोमिनिक शक की निगाहों से मिस्टर शैडो की तरफ देख रहा था। उसे लगने लगा था कि मिस्टर शैडो जानबूझकर ये सब बातें कर रहा है। जरूर उसका अंतरा को आज अपने साथ ले जाने का प्लान है। हालांकि इतनी तनाव भरी स्थिति में भी मिस्टर शैडो बिल्कुल रिलैक्स था। वो डोमिनिक की तरफ मुड़ा और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, दरअसल मैं भी सालों से रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ, इसलिए मुझे आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। कब्र के लिए मुझे ये जगह थोड़ी ठीक नहीं लगी, इसीलिए मैंने बस अपनी राय बताई। मिस्टर शैडो को खुद भी पता था कि उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। वो बस डोमिनिक को अपनी बातों में उलझाए रखना चाहता था ताकि वो उस पर शक ना करे। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, तुम्हें इन सब बातों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर शैडो की बात सुनकर डोमिनिक को राहत मिली और उसने ये कहा, क्योंकि उसने तो यही मान लिया था कि मिस्टर शैडो अचानक से उस पर कोई हमला करेगा, इसलिए वो टोनी को बुलाने की फिराक में था। मिस्टर शैडो ने भी डोमिनिक में ये बदलाव देखा, इसलिए उसे समझ आ गया था कि वो ज्यादा देर तक गार्डन में रुक नहीं पाएगा। मगर इतने कम वक्त में सुरंग ढूंढना उसके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए वो बस ये कोशिश कर सकता था कि उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले। अचानक मिस्टर शैडो की गुलाब के पौधों पर नजर पड़ी और उसे एक आइडिया आया। उसने डोमिनिक से कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप आखिरी बार मुझे मेरी पत्नी से मिलने दोगे। वो मिरांडा है, मेरी पत्नी। डोमिनिक ने तुरंत मिस्टर शैडो को टोका। उसे मिस्टर शैडो की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। डोमिनिक की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने एक आह भरी और फिर एक मायूस चेहरे के साथ कहा, फिर तो मेरे यहाँ और रुकने का मतलब ही नहीं है, पर फिर भी आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। दरअसल अंतरा को भी गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी यादों के रूप में मैं यहाँ से गुलाब के कुछ फूल तोड़कर ले जाऊँ। मिस्टर शैडो ने बड़ी होशियारी से ये बात कही थी। डोमिनिक को भी इस बात से खुशी हुई कि मिस्टर शैडो ने आखिरकार हार मान ली थी, इसलिए उसने कहा कि वो नौकर को बुलाकर गुलाब के फूल कटवा देगा और मिस्टर शैडो को दे देगा। लेकिन मिस्टर शैडो ने इनकार कर दिया, जैसा कि मैंने कहा, ये मेरी पत्नी की यादें हैं, इसलिए मैं खुद फूल चुनना चाहता हूँ और अपने हाथों से उसे तोड़ना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी फीलिंग समझेंगे। डोमिनिक ने सोचा नहीं था कि वो इतनी आसानी से जीत जाएगा। मिस्टर शैडो खुद गुलाब के फूल तोड़े, उसमें उसे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो भी इस बात से सहमत हुआ। अगर इस वक्त टोनी डोमिनिक के साथ होता तो उसे तुरंत समझ आ जाता कि कोई तो गड़बड़ है, मगर डोमिनिक ने उसे पहले ही भेज दिया था। इसका यही मतलब था कि मिस्टर शैडो की किस्मत बहुत अच्छी थी। डोमिनिक का जवाब सुनने के बाद मिस्टर शैडो ने भी एक लंबी सांस छोड़ी, क्योंकि उसे पता था कि अगर इस बार डोमिनिक ने मना कर दिया होता तो उसके लिए सुरंग का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता। मिस्टर शैडो बिना वक्त गवाए आगे गया और गुलाब के पौधों को देखने लगा। जहां जहां पर उसे सुरंग के एंट्रेंस होने का शक था, उस जगह से उसने फूल तोड़े ताकि आगे जाकर उसके लिए वो निशानी रहे। मिस्टर शैडो गार्डनिंग कैंची का इस्तेमाल करके फूल इस तरह से काट रहा था कि डोमिनिक को लगे कि वो नौसिखिया है, ताकि उसे कोई शक ना हो। मिस्टर शैडो ने अपना अंदाजा पक्का कर लिया। तब तक उसने लगभग 20 गुलाब के फूल निकाल लिए थे, जो कि उसके लिए काफी थे। वो फूल हाथ में पकड़कर उसने डोमिनिक को गुड बाय कहा। डोमिनिक ने अपना सर हां में हिलाया और फिर टोनी को बुलाया। टोनी मिस्टर शैडो को जागीर के मेन गेट तक छोड़ने गया। वहां पर एडम मिस्टर शैडो का इंतजार कर रहा था। मिस्टर शैडो के गाड़ी में बैठते ही एडम ने जल्दी से गाड़ी निकाली। जब डोमिनिक की जागीर बहुत पीछे छूट गई, तब जाकर एडम ने राहत की सांस ली और फिर मिस्टर शैडो से कहा, मैंने ऋषभ को पास वाले ही एक कैफे में बुला लिया है, वैसे कैसा रहा? ये सुनने के बाद मिस्टर शैडो को एहसास हुआ कि हाथ में पकड़े गुलाब के कांटे उसके हाथों में चुभ गए हैं और खून निकल रहा है। उसने फूलों को साइड में रखा और टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकालकर अपने हाथों से खून पोंछा। थोड़ी ही देर में वो लोग कैफे पहुंच गए। मिस्टर शैडो ने अंदर क्या क्या हुआ था वो सब एडम और ऋषभ को बताया। ऋषभ काफी गुस्से में था, क्योंकि डोमिनिक को शक हो गया था, उस वजह से उसने एडम को अंदर नहीं जाने दिया। इस वजह से उन लोगों का प्लान फेल हो गया था। हालांकि फिर भी एडम ने जागीर के बाहर रहकर प्राइवेट डिटेक्टिव और हैकर से बात की थी
और उनके कहने के मुताबिक एडम ने जागीर के अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट को मार्क कर लिया था। मिस्टर शैडो ने जब वो नई मार्किंग्स देखी तो उसे समझ आ गया कि इसमें से एक नई जगह कब्र के पास वाली जगह से मैच होती थी जहां से उसने फूल तोड़े थे। वैसे तो भूल भुलैया वाले रास्ते से टोनी ही मिस्टर शैडो को लेने और छोड़ने आया था, मगर मिस्टर शैडो की याददाश्त बहुत तेज थी। उसने पेन से नक्शे पर वो जगह मार्क की और फिर कहा, जहां तक मेरा मानना है इसी जगह के नीचे सुरंग है। मैंने एक आर्किटेक्ट के नजरिए से देखकर चेक किया है, इसलिए मुझे यकीन है। ये सुनने के बाद एडम और ऋषभ दोनों जोश में आ गए। उन्हें ऐसा लगा कि अंतरा को बचाने के लिए वो लोग एक कदम आगे बढ़ चुके थे। ऋषभ ने मिस्टर शैडो से पूछा, उस बुड्ढे ने अंतरा को परेशान तो नहीं किया था? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, क्या तुम्हारी उसे मुलाकात हुई? एडम को भी अंतरा की काफी चिंता हो रही थी। हालांकि मिस्टर शैडो ने अपना सर ना में हिलाया और बताया, डोमिनिक काफी चौकन्ना था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि वो मुझे अंतरा से मिलने नहीं देने वाला था। हालांकि फिर भी मैंने घर को अच्छी तरह से देख लिया है और याद कर लिया है। इसके अलावा मैंने उसके गार्डन में दो कब्रें भी देखी। मिस्टर शैडो के ये बोलने के बाद ऋषभ ने अपनी और एडम की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया। जब सबसे पहली बार डोमिनिक के घर का नक्शा उन लोगों के हाथ लगा था, तब जेसिका ने उन पर कुछ रूम्स को मार्क किया था जहां पर शायद अंतरा को रखा गया हो, इसलिए एडम और ऋषभ ने ड्रोन की मदद से उन सारे कमरों को चेक किया। हालांकि सभी की खिड़कियां बंद थी और पर्दे लगे हुए थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि अंदर कोई है या नहीं। ये सब सुनने और देखने के बाद मिस्टर शैडो ने कहा, कोई नहीं, फिर भी हमें थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल हुई है। मुझे यकीन है कि हम लोग बहुत जल्द अंतरा को बचा लेंगे। ये कहते हुए मिस्टर शैडो का लहजा एकदम शांत था। हालांकि मन ही मन वो भी यही सोच रहा था कि अगर अंतरा जल्द से जल्द वापस नहीं आई तो वो भी ज्यादा दिनों तक इस तरह से शांत नहीं रह पाएगा। मिस्टर शैडो ये सब सोच रहा था तब एडम और ऋषभ ने एक साथ कहा, तो क्या आज ही हमें धावा बोल देना चाहिए? मिस्टर शैडो ने ना में अपना सर हिलाया। फिलहाल डोमिनिक काफी चौकन्ना है, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर थोड़ी भी जल्दबाजी की तो डोमिनिक को शक हो जाएगा। आज मुझसे बात करते हुए भी वो बहुत ही सतर्क था। अगर मैं ज्यादा देर वहां पर रुकता तो वो